ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई भूपेंद्र जी डिडवाड़ी से, और पेड़ पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मुरारी नगला देविया गोवर्धन से, और आपके सामने एक छोटा सा कलाकार भाई मुकेश सिंह का भरतपुर राजस्थान से, आइए सुनिए का चिकड़ी का धमाका। मास्टर जी सुनिएगा, किसी कवि ने चार लालों में, और मास्टर जी मनुष्य को सुझाव दिया है, बताया वो कैसे, कहे फूस की आग और बुझे जल से, और जल में लगे तो बुझे कहो कैसे, अजी छान गिरे धूनी से डटे ये आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे, के मेरो वियोग पिया से मिटे, और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे, अजी और लिखी तो सब ही मिटे, पर बाबा जा कर्म की ले कमेटे कहो कैसे। और देखो तुम्हें ऐसे मत बैठे रहो जैसे आधार कार्ड बनवावे आए हुए, एक बार दोनों हाथों को ऊपर खड़े करके गिरिराज महाराज का जयकारा लगाएंगे, बोल गिरिराज महाराज की। और मास्टर जी साकी के अंदर सुनिएगा क्या लिखा है, अरे हो अले लनर तेने का पे कियो है, अरे गरब गुमान अरे गरब गुमान रेल भरोसो, और नाई जाते आको किरे एक दिना, अरे एक दिना प्यार के चले थे, और एक दिन हवा के चले थे, और मिट जाए रे बबूला जैसे नगीना कहते हैं भैया जी, कि अंगूठी में लगे हीरे को नगीना कहते हैं, और बना हुआ यार बिगड़ जाए उसे कमीना कहते हैं। मेरा वो प्रसंग है जो कि मैं प्रथम राउंड में छोड़ के गया था, आज कुंती ने कहा कि बेटा मैं तुझसे भिक्षा में 5 वाण मांगने के लिए आई हूँ, आज जब इतने वचनों को करण ने सुना है तो आज करण जवाब देने लगा कि माँ मैं तेरे लिए 5 वाण अवश्य दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो आज करण जवाब दे रहा है, और कमेटी वालों से निवेदन है कि बारीकी से सुने मास्टर जी, सुनिएगा बहुत ही अच्छे श्रोता बैठे हुए हैं यहाँ पर मास्टर जी से, और चार बाण ले जा मेरी मैया, और बचन कहूं तो ते साचो, और करण मरे जाए अरे करण मरे चाहे पालत मरे तेरे, अरे रहे पाँचों के पाँचों तेरे, रहे पाँचों के पाँचों,
अरे दुनिया हासी करे बचल लाए। क्या बात है मास्टर जी, आपका भी जवाब नहीं। अरे दुनिया हासी करे बचल लाए, तेरे करण बल धारी में मांगू तोते मांगू तोते मांगू तोते भीकसो। और ये इक्यावन का पुरस्कार हमारे संचालक जी दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दुनिया हासी करे बचल लाए, तेरे करण बल धारी में मांगू तोते भीकसो। आज मैं है तारी देखिए सरदारो, मैं तो एक आप ही का बच्चा हूँ। और ये क्या मेरे का पुरस्कार हमारे बाबूजी देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपके लिए क्या उपदेश दे सकता हूँ, पर एक छोटी सी बात बता करके जा रहा हूँ मास्टर जी, सुनिएगा वो कैसे क्या बात है। भैया अरे कितने उल्लू अंडे कमा लो बाबा, अरे कितने उल्लू अंडे कमा लो बाबा, संग ना जाए अधेला है। और दर छाती पे हाथ एक दिन उड़ जाए हंसो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबूजी देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊजी देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी लिखा है वो कैसे। अरे नीति नहीं अनीति है रही, क्या बात है मास्टर जी आपका जवाब नहीं। इन ढोलक वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें सभी लोग। भैया अरे नीति नहीं अनीति है रही, इन भारत के जातल में और काऊ को छोरा चपरासी नाय कमी बताए रहो। और ये एक कमर का पुरस्कार हमारे ताऊजी देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज के समय में काऊ को छोरा चपरासी है गो तो यूं समझ लो पीएम नरेंद्र मोदी है गो। पहली कह दिए गो कि एक पार्टी 8 लगा के गई है, अगर 10 लाख लगा दे तो शादी करूं। भाई सर क्या कह रहा है कभी, क्या बात है। ओ 10 लाख मांग रहे छोरा के, ओ 10 लाख मांग रहे छोरा के लाए शादी होगी आतल में। और डबल बेड के पावती कर रहे सो रहे टूटी कातल में आए डबल बेड के, क्या बात है। करण कह रहा है कुंती से के 4 बाण ले जा मेरी मैया। बचल कहूं तो ते साचो है, अरे करण मरे चाहे पारत मरे तेरे रहे पांचों है। सो दुनिया हासी करे, अरे दुनिया हासी करे बचन ना तेरे करण वाले धारी। और मैं मांगू तो ते भीख सो आज में है मां, मैं तुझसे एक बाण की भीख खा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने कौरवों का नमक खाया है। मास्टर जी चौक के अंदर सुनिएगा करण क्या जवाब दे रहा है। और श्रोताओ जिकड़ी को गावो करंट को हुए, जहां में करंट ना हो वो जिकड़ी ना हो करे। मास्टर जी सुनिएगा लिखा है कैसे। और मैया मैंने और नमक और भूप को लिखायो, और मेरी नस नस बीच समायो, और मेरी नस नस मैया ओ मैया इन संग दगा करूंगो।
और गाने बजाने में सेटिंग मैचिंग का भी खेल बहुत बड़ा होता है। आयशा जी लिखा है कैसे? ओ मैया इन संग दगा करूंगो और मैं तो सी दोई और मैं तो सी दोई तलको करूंगो और मैं सी दोई आवाज़ करूंगो ले के मैया मेरे नमक भूप को खायो और मेरी नसे नसे बीच समायो मैं इन्हें संग दगा करूंगो और मैं तो सीधो ही नरक मरूंगो। आज जब इतने वचनों को कुंती ने सुना है मास्टर जी, जिकड़ी के अंदर कुछ अलहदा भी चीज हुआ करती है। कमेटी विद्वान है और सुनिएगा, कुंती भगवान को याद कर रही है और मास्टर जी कैसे कह रही है। अरे अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई ना होती और खुदा की कसम ये खुदाई ना होती है। अगर तेरी जलवा जलवा ए परमात्मा है, अगर आग तुमसे तुमसे और मिलाई ना होती खुदा की कसम ये खुदाई ना होती है। अगर तेरी जलवा जलवा खुदा आज कुंती कहती है कि बेटा अगर इस समाज की लज्जा ना होती, इस जमाने की लज्जा ना होती तो मैं तुझे जल में जन्म देकर के ना बहाती। आज सुनिएगा जिकड़ी का राजस्थानी ढोला और मास्टर जी कुंती रो रो करके जवाब दे रही है और हमारे गंगाराम गुरुजी गाते थे ढोला, सुनिएगा मास्टर जी कैसे। ओली जायो रे ओल लज्जा के अरे माले सो दियो रे होती तो मैं जुले में जलम जलम देते ना बहाती। मास्टर कह रही है वो कैसे? अरे घोटी कछु मेरो सुनाए लाला मेरो सुनाए रे, अरे घोटी कछु मेरो लाए, अरे घोटी कछु मेरो लज्जा के मारे दियो बहाए और खोट कछु मेरो नाए वा ईश्वर ते एक पेश नाए। आज जब इतने वचनों को कुंती ने सुना है ना, आज सुनिएगा जिकड़ी की मेन पॉइंट चीज उड़ान आ रही है तीन ताल छोले मात्रा में और मास्टर जी उड़ान के अंदर कुंती जवाब दे रही है और सरदारों फिर कह रहा हूं मैं 75% तो मैं हुई ना जाऊंगे 25% मात्र बस 5% तुम देख लियो बस। मास्टर जी सुनिएगा कैसे।
सो भैया मेरे और कुंती से कहे और मिला तुम्हें आपस में भाई मिलो तुम आपस में भाई परशुराम से मिले हे परशुराम से मिले बांड मोए पाचो ये तो होती है कड़ी अगर समय हो तो गाना अच्छा जी सुनिएगा साहब गाना और मास्टर जी गाना भी आ रहा है न्यू लाट आपके सामने घर को भेदी और लंका ढावे अरे पंचो मेरे बेरी अरे भैया मेरे बेरी तेरो कहा बिगाड़ेगो और गैरन की अरे गैरन की ओ कात कहा जा मावे अपनो ही मारेगो है गैरन की साहब की चिट्ठी आई चिट्ठी को मतलब कोई टेलीग्राम कोई मैसेज ना यारो हमारे पुराने बड़े बूढ़े बतामते अगर मनुष्य के बाल सभ्य देवे लग गए तो जो समझ लो भगवान के मौत के संदेश आवे लग गए पर आज का मनुष्य इतना चतुर है कि उस भगवान से भी कह दिया कि तू कितिया को मैसेज भेज ले अगर मैंने तेरे मैसेज फेल नहीं करे तो मोते पप्पू कौन किए गो मास्टर लिखा वो कैसे अरे एक साहब की चिट्ठी आई बाल सफेद भये सारे और लेके पाउच गाई को जाले सबरे बारे करे कारे प्यारो नाई की दुकान पे पहुंच गो अब तो ऐसे बारे में करा लायो कि जैसे काऊ भैंस ने ताजे ले बुरु डारो हुए अले लेके पाउच डाई को जाले सबरे बार करे कारे और दूजी बार में यमरा जाले कान बंद धो
कर डारे और काल मसीना काल मसीना काल में डारी हमें मौत से डर डारे है हमें मौत से डर डारे भैया ये तो है गे दो मैसेज परमात्मा तीसरा मैसेज भेज रहा है और कह रहा है कि हे मनुष्य तू अब भी गुजर जा अब भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे गई है रो सनी आखिर की तो लेंस लिए डर वाई है और पाए बनाए दई पामल में तो हीरो ही होता बाबा के पाम तोड़ दिए प्यारो नाती लेके गोवर्धन को गयो अब तो ऐसी मोटरसाइकिल कसा लायो किक देवे की जरूरत ना चल रही बाबा सेल्फ स्टार्ट चल लो भैया उपेंद्र कैसे क्या बात है अरे बाय बाय नहीं दई पामन में तो हीरो ही होंडा आई है और गुस्सा खाए के यमराज ने दिए दूत पठाई है और कई बाबा के चलवे की तो हसी मौसम आई है भाई हसी मौसम अब तो भगवान ने मैसेज देना बंद कर दिया अपने दूतों को आदेश दिया तुम जल्दी से जाओ और जा बाबा लेके आओ बाबा के पास में दूत आएंगे बाबा ते दूत कह रहे बाबा चलो के बेटा कहां ले जावे आए तुम वो बाबा त्यारो समय पूरा है वो अरे बेटा जरूर तुम पे कोई रॉन्ग नंबर मिल गए न्यो बताओ मैं कमी का लिख लई है काम वो पे देखो ना जावे काम वो पे चलो ना जावे बाबा हमको आदेश मिला है तुझे लेकर के जाएंगे ये देखिए ये मनुष्य कौन है और ये आत्मा कौन है और ये दूत कौन है ये कोई और नहीं हमारी तुम्हारी माया यही हमारी तुम्हारी आत्मा है आज बाबा दूतों से लड़ रहा है और मास्टर जी कैसे लड़ रहा है क्या बात है अरे चरपाई पे उलटो है के भारी लात चलाई रहो और इत्यो मारे पित्यो मारे नाई अंटा में अरे इत्यो मारे पित्यो मारे नाई अंटा में आई रहो और अट्टा पेटे बहु देख रही बाबा चक्कर भाई बोटिया की बहु देख रही और सोच रही के कल डोकरा पी परवारे खेत पे मीठे दूधे पी के गयो कहूं भूतल ने तो ना पकड़ लियो भैया उपेंद्र कह रही है वो कैसे क्या बात है अरे अट्टा पेती बहू देख रही बाबा चक्कर खाई रही हो और जाके बोली अम्मा के भूतल ने आज दबाई लियो है जाके बोली भैया बाबा के परिवार वाले आ गए आज मोटिया ने बाबा के पाम को पकड़ो एक लात वाली खंजरा से बाहर कर दे मोटिया भाई पत्नी कह रही है ओ बटू जाए पाम ने तू मत पकड़े जाए पाम ने मैं पकड़ूंगी क्योंकि मैंने इसके संग में 70 साल व्यतीत करिए और अब दूत अपने मन में विचार रहे हैं सोच रहे मास्टर कैसे सोच रहे क्या बात है बोले दूत कर तुम जल्दी करो नहीं फिर उठिए कटिए रह जाके और बाबा बोलो दूत ने दिए तुम कहा पकड़ बोए अरे बाबा बोलो दूत ने दिए तुम कहा पकड़ बोए ले जाके और मोकू ऐसी पतो नहीं मेरे घर के ही बेरी बेटा मैं त्यागता पे ना यारो पर जो कहने वाले ने कह दिया कि जहां मारे वहां अपनो ही मारे और बेरी तेरो कहा अरे मोकू ऐसी
पतो नाई मेरे घर के बेरी है जाके और हरी कहे हाँ हरी कहे ना नौके मेरे मोटर तू ले जाके।